2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो, हम इस संकल्प पर काम कर रहे हैं। साथियों, सपा बसपा के सिर्फ झंडे अलग रहे हैं, नियत एक जैसी ही है। सरकारें बदलती थी, गुंडे और कब्जा गिरोह भी बदलते थे, किसानों को, दुकानदारों को, व्यापारियों को लूटने का काम खुले आम होता था। बुआ के समय हुआ भ्रष्टाचार और बबुआ के शासन में दलितों पर अत्याचार तो सबने देखा है। अब दलितों पर अत्याचार कौन करता था, मैं ये पूछ लूंगा तो बहन मायावती जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्हें अपने कठिन फैसले की फिर याद आ जाएगी। आखिर आज वोट भी तो उन्हीं अत्याचार करने वालों के लिए मांग रही है। भाइयों और बहनों, बहन जी भले भूल गई हो, लेकिन आपको याद होगा कि सपा के शासन के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई। समाजवादी गुंडों ने गरीब दलित की जमीन, मध्यम वर्ग की जमीन, उसके घर को कब्जाने का जो अभियान चलाया हुआ था, उसने न जाने कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। मुझे बताया गया है, अपने ऐसे ही होनहार को समाजवादी पार्टी ने फिर से आपके बीच लाकर के खड़ा किया है, और बुआ भी दलितों का, गरबार छीनने वालों का समर्थन कर रही है। वाकई मायावती जी, बहुत ही कठिन फैसला रहा आपका। भाई और बहनों, बुआ बबुआ के इस तालमेल के बीच योगी जी की सरकार गुंडों और कब्जाधारियों पर लगाम लगाने का बीड़ा उठाए हुए है। जमीन कब्जाने वाले ऐसे अपराधियों के जेलीकरण के साथ साथ जमीनी के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भी साथ ही किया जा रहा है। तकनीक के आधार पर हम ऐसी व्यवस्था पूरे देश में लागू कर रहे हैं जिससे कोई भी किसी की जमीन पर जबरन कब्जा कर न सके। भाइयों और बहनों, याद करिए उस दौर में बहन बेटियां कितनी असुरक्षित थी। हमारी बेटियों का कॉलेज जाना, स्कूल जाना तक मुश्किल हो गया था। बहनों बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की इनको कितनी चिंता रही है, ये पूरे देश ने कुछ दिनों पहले भी देखा है। मैं फिर कहूंगा, वाकई बहन जी, आपका फैसला बहुत कठिन है। इसकी निंदा तो छोड़िए, उन्हें ऐसे लोगों के लिए भी वोट मांगना पड़ रहा है, और इसलिए फिर आपको याद दिलाऊंगा, दोस्ती टूटने की तारीख मत भूलिएगा। कौन सी तारीख, कौन सी तारीख,
याद करिए कौन सी तारीख, 23 मई गुरुवार। इधर फिर एक बार मोदी सरकार बनी, उधर दोस्ती टूटी। इन फर्जी दोस्ती वालों पर अपना वोट कोई बर्बाद नहीं करेगा, ये भी मैं जानता हूं। साथियों, यूपी में हो रही स्वार्थ की राजनीति से अलग भाजपा और एनडीए के हमारे साथी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो पीएम किसान योजना, इसका भी सबसे तेजी से और सबसे अधिक लाभ यूपी को ही हुआ है। यूपी उन प्रदेशों में है जहां करोड़ों किसान परिवारों को पहली और दूसरी किस्त का पैसा बैंक खाते में मिल चुका है, जिनको अभी किसी कारण से नहीं मिल पाया है उनको भी बहुत जल्द मिल जाएगा। इतना ही नहीं, 23 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे, आप जब फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे, तब यूपी के सभी किसानों को ये लाभ हम देने वाले हैं। 5 एकड़ जमीन का नियम हम खत्म करने वाले हैं। इतना ही नहीं, जो छोटे किसान है, जो खेत में मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीना नियमित पेंशन की व्यवस्था भी हम करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, इसी तरह आयुष्मान भारत योजना का भी बहुत बड़ा लाभ यहां के गरीब परिवारों को हो रहा है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो हर वर्ष मिल रहा है, उससे गरीबों को इलाज के लिए अब अपना घर बार नहीं बेचना पड़ेगा। ये सुरक्षा इस चौकीदार की सरकार ने गरीब को दे दी है। साथियों, सौभाग्य योजना के तहत देश के हर परिवार तक बिजली पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। अब तक देश के 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। इसका लाभ यूपी को एटा और आसपास के जिलों में बहुत अधिक हुआ है। जिनके घर अभी बिजली नहीं पहुंच पाई है, उनको भी कनेक्शन मिलना तय है। साथियों, देश की रक्षा सुरक्षा हो या फिर भारत का स्वाभिमान, सब कुछ आपके एक वोट पर टिका है। कमल के निशान पर पड़ा आपका हर वोट, चाहे एटा हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे आगरा हो, कोई भी हो, आपका वोट मोदी के खाते में जाएगा। अब आप एक संकल्प लेंगे मेरे साथ, सब संकल्प लेंगे, जो मैं बोलूंगा उसके बाद आपको बोलना है घर घर में है चौकीदार। क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे, घर घर में है चौकीदार। जरा बोलिए, घर घर में है चौकीदार, घर घर में है चौकीदार। भ्रष्टाचारियों होशियार, भ्रष्टाचारियों होशियार, भगोड़ों पर कानून की मार। पूरी ताकत से बोलिए, बंद हुआ काला कारोबार, देशद्रोहियों पर कड़ा प्रहार, आतंकी पर हो आखिरी बार, दुश्मन हो जा खबरदार, घुसपैठिए भागे सीमा पार, टूटेगी जात पात की दीवार, वंशवाद की होगी हार, दागदार पे भारी कामदार। भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग हैं। आप आशीर्वाद देने के लिए आए, आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के।